हेलो गेमर्स, तो क्या हाल है आप लोग के। तो बड़ा देखो, जो आज का गेम प्ले है ना भैया, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और यार इस वाले गेम प्ले ना भैया, आज हमें धोखे पे धोखे है लड़के, यार धोखे से ही बड़े धोखे मिलेंगे। तो यार देखो, तुम्हें तो पता ही है हमारे पूरे स्क्वाड ने ना भैया इस वाले गेम प्ले में भैया कतई तबाही मचा रखी है पूरे किल फील्ड में। क्योंकि भैया हमारे इस वाले गेम प्ले में 33 किल्स होते हैं अभी फिलहाल के लिए। भैया हम लोग उतर रहे हैं भैया नोवो, और यार गन के नाम पर ना भैया हमें मिल जाती है शॉटगन, और भैया लोग ना भैया गन फाइट लेने आते हैं। तो देखो, एक लॉन्डे को तो भैया मैं काफ़ी शॉटगन से हिट देता हूँ, पर भैया नहीं, हमारे गोलियों में तो भैया कतई जान ही नहीं है। उसके बाद भैया मुझे डेजर्ट मिल जाता है, मैं डेजर्ट निकालता हूँ और सामने वाले लॉन्डे को ना भैया कतई टट्टी वाला स्प्रे देता हूँ। और यार देखो, वो नॉक नहीं होता, मुझे अपनी बेची से फील होती है, मैं दोबारा शॉटगन निकाल लेता हूँ। देखो जो लॉन्डे होते हैं ना भैया कतई निहत्ते बकरे होते हैं। तो देखो आप लोगों, मैं काफ़ी ढूंढता रहता हूँ लॉन्डे को, पर भैया लॉन्डा नहीं मिलता है। और यार उतने में ना भैया जो अपना लॉन्डा होता है भैया, वो हो जाता है भैया नॉक। तो देखो, तुम्हें तो पता ही आजकल ना भैया एक रिवाज चल रहा है, अगर भैया मौत सामने हो ना तो भैया पूरे एक स्क्वाड खराब कर दो, मतलब लॉन्डा पूरा पेल क्या हो, किल अपना सिक्योर करो। तो देखो मैं उस लॉन्डे को भैया काफ़ी ढूंढ रहा होता, पर भैया वो लॉन्डा मिलता नहीं है। उतने में ना भाई जो अपना लॉन्डा होता है, उस लॉन्डे को भी ढूंढ के भैया कतई नॉकआउट कर देता है। तो देखो जो ये लॉन्डा है ना भैया, अभी ये लॉन्डा भैया अपने सारे बंदों का ना भैया पता बताएगा, और इसके चक्कर में ना भैया सारे के सारे लॉन्डे आएंगे। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यार इन भाई की जो दोस्ती थी ना भैया कतई गहरी वाली थी, क्योंकि देखो यार बंदे के पास सिर्फ डेजर्ट पिस्तौल थी और लौंडा भैया उसको बचाने के लिए आ गया, मतलब यार भाई मानना पड़ेगा। उसके बाद भाई थोड़ा आगे आने के बाद भैया एक बोट मिल जाता है। तो यार इस बोट को पेलने के बाद ना भैया उतने में एक और बोट आ जाता है, और भाई इस बोट को भैया मैं मारता, पर भैया नहीं, मैंने कसम खा रही होती भैया इसके बाद भी एक भी बोट नहीं मारी, क्योंकि हमें गन चाहिए होती है। तो यार देखो लालच तो खूब आ रहा था अंदर से, पर भैया क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद भाई यहाँ से ना भैया मुझे थॉमसन मिल जाती है अलग से, भैया विक्टर भी मिल जाती है, और यहाँ पे मैं फटाफट ड्रिंक लगा लेता हूँ। और उसके बाद ना भाई सीधा आगे रश करने पर जाता हूँ। ये तुम्हें तो पता है यहाँ पे भैया कितने ही स्कॉट्स आए थे। और यार यहाँ पे ना भैया देखना, वो लॉन्डे जो होता है ना भैया की जगह भैया TPP ले रहे होते हैं, और TPP के चक्कर में ना बेचारे भैया मारे जाते हैं। आप देखो आगे एक बिठाया, एक टपका दिया मैंने। तो यार इन लॉन्डो ने ना भैया कतई उधर वाले कोने से ना भैया यहाँ तक कतई गदर मचा के रखी होती है, पर उतने में ना भैया इन लॉन्डो के भैया हमसे बढ़ जाते हैं, और भैया ये लॉन्डो ना भैया कतई एक जगह पे बैठ के टीवी भी ले रहे होते हैं। मैं बता अरे भैया क्या ही टीवी ले रहे हो भैया, मैं उनको भैया फटाफट पेल देता हूँ। और सामने ना भैया जिस लॉन्डो को भैया मैंने गोली से डैमेज करा ना भैया, कसम से भैया एक ही HP होगा। और यार तुम्हें तो पता है अपने गोलियों पर ना भैया कतई जान ही नहीं है। तो देखो इनको भैया फटाफट लूटते हैं, और उसके बाद ना भैया हम पीछे M24 की आवाज़ आती है, और अपने को ना भैया जो M24 का जो लालच आता है भैया अपने लॉन्डो को, क्या ही बताओ। उसके लिए भैया मैं फटाफट आगे आता हूँ। इधर की साइड आने के बाद ना भैया मुझे उसकी लोकेशन पता लग जाती है, और इधर आने के बाद ना भैया मैं जैसे एक नेट मारता हूँ, पर भैया ये नेट ना भैया कतई काम नहीं करता है, मतलब बेची जैसी कर देता है मेरी। इसके बाद भैया मैं दूसरा नेट निकालता हूँ, और भैया देखना ये क्या ही नेट काम करेगा। कौन से घर पर पंकज मार रही तो यार देखो, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाह रहा हूँ एक। तो यार देखो, तुम लोग मॉडल के नेट वेट देखते हो ना भैया, वो हाँ जी हाँ भैया मैंने ही उसको सिखाया है। तो देखो अब होता क्या है यार, देखो यहाँ पे मैं उसको फटाफट लूटने आता हूँ, और अपने लॉन्डे को बोलता हूँ भैया आजा तेरी M24 तैयार है, मतलब भैया देखो छीन ली गई है उस लॉन्डे से। इसके बाद ना भैया हम इसको काफ़ी लूटने लाटने के बाद हम लोग भैया गाड़ी निकालते हैं, और भैया अंदर रश मारने के लिए भैया निकल जाते हैं यहाँ से। और निकलने के बाद ना भैया सीधा पहुँचने की पहुँचा, और भैया सामने ना हमारे भैया पार्टी चल रही थी खूब धूम धड़ाके तरीके से। और देखो हम लोग भैया तैयार हैं, और जाके ना भैया मैं कतई थर्ड पार्टी मार देता हूँ, और भैया यहाँ पे जाके ना भैया कतई गदर मचा देता हूँ मैं भी। देखना अभी भैया मैं तो क्या ही गंदी वाली पिटाई लगाऊंगा इनकी। रुक जा। तो अरे देखो, पंकज तो अब तभी रुकेगा जब भैया उसके खाते में ना भैया पूरे के पूरे 3 किल नहीं आ जाए। क्योंकि यार देखो, मैं इतनी मेहनत करी वहाँ से आने के बाद, और भैया डैमेज दिया इन लॉन्डों को, और उतने में ना भैया मैं पीछे आ जाऊँ ऐसा नहीं भैया। और अब देखना भैया पूरी स्क्वाड जाएगी। अब देखो
तो यार देखो, अगर तुम्हें वन मैन आर्मी मतलब मेरी अगर ये जज्बा और हिम्मत अच्छी लगी हो ना, तो भैया नीचे लाइक बटन होगा वो भी दबा देना, साथ साथ भैया सब्सक्राइब भैया लगे हाथ दबा ही देना। तो देखो इन लौंडों को भैया मैं अकेले पे ले, तो भैया जो लास्ट वाला लौंडा होता है वो भैया हेल्थ लगा रहा था, मैंने बोलता भैया हेल्थ क्यों वेस्ट कर रहा है, मैं लगा लूंगा बाद में अपने लिए। उसके बाद भैया इन लौंडों को भैया पूरी स्क्वाड खत्म हो जाती है, बेचारे आगे से लड़ रहे होते हैं और मैं पीछे से आगे भैया मजे ले आता हूँ, और इनके बाद ना भैया किरेट लूटने में ना भैया अलग ही मजा। देखो यार मेहनत कर रही है, फल तो भैया मिलना ही चाहिए। इसके बाद ना भैया जो सामने लौंडे होते हैं और भैया वो भी हम पे रश कर देते हैं, और मजाक करो हम कर देते हैं, और देख रहे हैं इनकी पिटाई कैसे लगाते हैं। मेरे को गाड़ी आ रही है। तो यार देखो तुम मानो ना मानो, पर भाई जो पार्टी थी ना भैया कतई सक्सेसफुल पार्टी थी, क्योंकि भैया देखो मैं पीछे से आया भाई, इन वाले लॉन्डो को भैया मैं ही ले गया, और जो भैया सामने वाले लॉन्डे थे ना भैया उनको लगा भैया मैं अकेला इनको पेल रहा हूँ तो भैया मैं अकेला ही हूँगा। उनमें से भैया एक लॉन्डा भैया जज्बा दिखा के आया भैया अकेले पेलने के लिए, पर भैया उसको मैं आराम से पेल पाल गया, और भैया जो दूर से भैया फायर कर रहा था ना भैया उसको भी मैं भैया पेल पाल दिया, मतलब टोटल मिला के भैया हमारी जीत हो गई। इसके बाद भैया होता है हम लोग लूट लाटने के बाद भैया यहाँ से निकल ही रहे होते ना भैया, चर्च में भैया एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी ना भैया कहते हैं हम पे फायर फूर करने आती है, पर भैया एक भी शॉट्स नहीं लगते हैं। देखो यार देखो वो तो जोन में भी नहीं, पर भैया इतने चौड़े में खड़े ना भैया मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। अब भैया होता है भाई मैं गाड़ी घुमा के लेके जाता था ताकि भैया उनको शक ना हो, और भैया हम ना भैया सोचते कि उनका जोन काटेंगे, मतलब देखो जोन में आएंगे और भैया हम लोग गाड़ी ठोक देंगे और भैया कहते इनको पेल पाल देंगे आराम से। तो भैया इतने में होता क्या ना भैया यहाँ पे ना भैया इतनी सारी स्क्वाड जाती है भैया, मतलब कितनी सारी स्क्वाड है भैया आप देखना अभी कितनी गंदी फाइट होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे जो मेरी स्क्वाड है ना भैया किसी और स्क्वाड से लड़ रही होती है, और भैया अकेले ना भैया मैं चौड़ में बनती हूँ भैया किसी और स्क्वाड से लड़ जाता हूँ। मेरा किल चुरा लिया। तो यार देखो इन लौंडों के साथ ना भैया बहुत ही बुरा हुआ, मतलब देखो यार बेचारे वहाँ से बच बुच के आए थे, मैंने भैया देखा रहे कहाँ बच के जा रहे हो, तो देखो मैं फटाफट उनको भैया वहाँ से भी डैमेज दिया, भैया यहाँ के आके ना भैया जैसे बंदा उतर रहा था उसको भी एकेएम से पटका डाला, और भैया दूसरे वाले बंदे को काफ़ी डैमेज दिया था पर भैया वो बंदा नॉक नहीं हुआ। तो देखो जैसे भैया हाथ लगा रहा था तो भैया मैं फटाफट आया आगे और भैया आराम से पेल पाल दिया उस बंदे को। इसके बाद ना भैया हम लोग यहाँ से लूट आने के भैया निकल जाते इधर की साइड आते हैं, और भैया यहाँ पर आने के बाद ना हमें भैया एक बंदा देखता है, वो भैया अपनी बाइक में ना भैया कतई 200 की स्पीड में आ रहा था भैया ताकि गाड़ी चेंज कर देते, भैया वो काफ़ी अपनी स्पीड दिखाता है पर भैया वो हमारी स्पीड के सामने ना भैया कतई दब जाता है। देखो अभी भैया उस बंदे को क्या ही पेलेंगे हम लोग। मारो 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 मारो। तो यार इन भाई की तरह ना भैया कहते हमने भी देसी दिखा दी, मतलब भैया नॉकआउट करने के बाद ना कहते फिनिश कर दिया इन भाई को। इसके बाद ना भैया अपने जो लौंडे होते भैया लूटने जाते होते हैं, मैं ना भैया मुझे M24 पड़ जाती है, और ये ना भैया इसी के लौंडे होते, देखो यार कवर तो दे नहीं पाए अच्छे से, पर भैया क्रेट नहीं लूटने देंगे, इन्होंने कसम खा रखी होती है। पर चलो भैया हमने कसम तोड़ने के लिए भैया सीधा आगे पहुँचाते हैं, और अब देखना भैया इन लौंडों के भैया सबको पेलने पालने के बाद ना भैया हम इनको लूटेंगे भैया आराम से, हमने भी ऐसी कसम खा रखी होती है, अब देखना भैया इनकी क्या ही पिटाई लेंगे। क्यों
तो यार देखो तुम्हें तो पता ही है हम जो कसम वसम है ना भैया कतई तोड़ते नहीं है। तो यार देखो हमने सर्च करने के लिए भैया पूरी स्क्वाड को पेल पाल दिया। अब देखो भैया हम लोग आराम से लूट लाट रहे हैं और भाई जो हमारा ये जो दो नंबर है ना भैया कतई कैसे लूट रहा है, मतलब देखो उछल उछल के लूट रहा है, मतलब खुशी देख रहे हो भाई की। इसके बाद हम लोग भैया दोबारा गाड़ी लेते हैं और भैया यहाँ से निकल जाते हैं। उतने ना भैया सामने हमें गाड़ी दिखती है और भैया हमने ना भैया बंदा कहता है जहर वाला कैम करा होता है, मतलब घासों में लेट रखा होता है और भैया ये वाला खेल लिया तुम्हारा भाई ले जाता है। भैया ये भी नहीं छोड़ा। तो यार देखो ये वाला किल जब मैं ले गया ना तो जो अपना लौंडा होता है ना उसे समझ में आता कि भैया वो भी तो पबजी खेल रहा है, उसे भी भैया किल चाहिए, केडी बढ़ानी है। इसके बाद ना भैया मैं गाड़ी ले लेता हूँ, मैं भैया साबित करने के लिए लेता हूँ कि भैया ऐसे भी हम लोग किल ले सकते हैं। इसके बाद ना हम लोग भैया जैसे यहाँ से लूटते भी नहीं उस बंदे को, हम लोग भैया फटाफट निकल जाते हैं बंदे ढूंढने के लिए। और सामने ना भैया ड्रॉप हो रहा था और अलग से भैया स्मोक भी होता है, हम लोग भैया सीधा पहुँच जाते हैं और भैया अपने लौंडे ना भैया कहते हैं यहीं से गोलीबारी करने जाते हैं। और देखो यार अब लोग लौंडे भैया सारे सारे घर के अंदर पहुंचाते हैं और भैया हम ना भैया अंदर रश मार देते हैं, मतलब कौन कहां से क्या पेरेगा देखना है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। ओ भाई ओ मेरे पे आ गया तो यार देखो अगर तुम अंधा रश मार रहे हो ना तो यार प्लीज कसम से भैया उसे थोड़ी देर पहले भैया वोमिटा जरूर पी लेना, क्योंकि भैया जो तुम्हारी फुर्ती है ना वो भैया दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि भैया अगर ऐसा नहीं होगा ना तो भैया तुम्हारे जो टीममेट है ना भैया सारे के सारे किल ले जाएंगे और भैया तुम्हें ना पता भी नहीं चला कि भैया बंदे भी होते हैं पबजी में। इसके बाद ना भैया देखो तुम्हें तो पता ही भाई मैं फटाफट बाहर उतर और मैंने देखा भैया एक लौंडा ऑफलाइन है, उसको भैया मैंने आराम से पेल दिया। उसके बाद भैया जैसे मैं ऊपर आया भैया लौंडे पेलने के लिए उतने भैया देखता हूँ भैया कोई भी लौंडा नहीं और भैया अपना लौंडा भैया फटाफट अंदर आके भैया वो अंदर वाले कमरे में घुस के भैया पेल पाल देता है। इसके बाद भैया ड्रॉप से मुझे भैया एक ग्रोजा मिल जाता भैया विद एआर का सप्रेसर। तो यार देखो फटाफट हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं रोड डालने के बाद और सामने ना भैया कतई जहर वाली पार्टी चल रही होती है, वो भी भैया आखिरी चिकन डिनर के लिए, और हम लोग भी ना भैया कतई पहुंच जाते हैं और देखना भैया कितनी गंदी फट होने वाली है। फॉर्म चल रही थी ये भी क्या ये फॉर्म चल रही थी एनिमीज अहेड तो यार देखो अगर तुम्हें अंधर रस अच्छा लगा ना भैया नीचे सब्सक्राइब बटन को उसको जरूर दबा देना। तो देखो तुम्हें तो पता ही जब भी हम लोग भाई अंधर रस खेलते हैं ना तो भाई हमेशा कहीं ना कहीं ठटपाटी हो ही जाती है। और हमने ना भाई इस सारे गेम प्ले में भाई जो बंदा जहाँ लौंडा में दिखा हमने भाई उसकी बेटी भैया वहीं पर बना दी। देखो यार लौंडा भी खुश हो गया और भाई हम भी खुश हो गए। और अरे कसम से जो ये लास्ट के लौंडे थे ना भाई इनके साथ भैया कतई जहर वाला बुरा हुआ, देखो इनके साथ भाई असली धोखा हुआ। बेचारे भैया टी वी पे लेके भैया पेट के साथ सारा खड़ा हुआ था, बेचारा भैया मैं आके पेल देता हूँ उसको। और भाई जो लास्ट का लौंडा तो ना भाई उसके भैया में जो तीन लौंडे होते हैं वो भैया उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और भैया आराम से भैया हमारा चिकन डिनर हो जाता है। तो यार बस भाई लोग आज के लिए इतना ही था, और भैया तुम्हें तो पता ही है हमने पूरे मैच में ना भैया पूरे 33 किल्स लिए और भैया हमारा भैया ये रिकॉर्ड टूट चुका है भैया 32 किल्स का। तो यार बस भाई लोग आज के लिए इतना था, अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर भैया कर देना यार। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट।